आशा के मोती चैनल में कार्तिक महत्तम का दूसरा अध्याय सत्यभामा के पूर्व जन्म की गुणवती की कथा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, गुणवती ने जब राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरण सुना तो अत्यंत रुदन करते हुए विलाप करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूँ? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? कौन मेरा पालन पोषण करेगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है और मैं काम काज करने में चतुर भी नहीं हूँ। तुम्हारे बिना मैं असहाय हूँ, मैं अकेली रह गई हूँ। अब मैं किसकी शरण लूँ? हाय, मैं विधवा हो गई। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है। मैं बड़ी पापनी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ? अब मैं कैसे जीऊँ? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई गुणवती पृथ्वी पर गिर पड़ी। बहुत देर के बाद होश में आई तो फिर विलाप करने लगी और शोक रूपी समुन्द्र में डूब गयी। तत्पश्चात उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि अपने पिता और पति की पारलौकिक क्रिया की और उसी मायापुरी में भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में करके शुद्ध मन से शांति पूर्वक रहने लगी। वह आजीवन एकादशी तथा कार्तिक मास के व्रत आदि का यथावत पालन करती रही। हे प्रिये, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिनके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पुत्र और संपत्ति को देने वाले हैं। कार्तिक मास में सूर्य निकलने पर जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर नित्य स्नान करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं और विष्णु भगवान के मंदिर को झाड़ना, सतिया काटना और विष्णु की पूजा आदि का कार्य नियम पूर्वक करते हैं, वे जीवन मुक्त होते हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी ये नियम पालन करते हैं, वे देवताओं की तरह पूजे जाते हैं और जो जन्म भर प्रत्येक वर्ष करते रहते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। इस प्रकार वह गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का नित्य नियम पूजन आदि करती रही। एक समय वह वृद्ध अवस्था के कारण रोग से दुर्लभ हो गई और ज्वर से पीड़ित होने पर भी धीरे धीरे चलकर गंगा स्नान को गई। यूं ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे थर थर कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से अपनी तरफ आता हुआ एक विमान देखा। उस विमान में शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु स्वरूप चतुर्भुजधारी पार्षद विद्यमान थे। वे गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त उस दिव्य विमान में गुणवती को बिठाकर वैकुंठ को ले गए। उस विमान में बैठी हुई गुणवती प्रदीप अग्नि के समान शोभित थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास वैकुंठ धाम में आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी लोक पर आया, तब वे मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये सब यादव मेरे गण हैं। तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में स्तरजित यादव होकर आए हैं तथा तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य के कारण यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास में जो तुमने पहले दीपदान किए हैं, उसी पुण्य के फल से तुम्हारी देह दीप्यमान है और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। उस जन्म में तुमने जो संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी प्रिय बनी हो और तुमने जन्म से मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए थे, उनके पुण्य प्रभाव के कारण हमारा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक मास में नियम पूर्वक व्रत करने वाले लोग तुम्हारे समान ही मेरे प्यारे होंगे और सदा मेरे पास रहेंगे। अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत, तप करने वाले मनुष्यों को जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास के व्रत के बराबर फलदायक नहीं है। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई और माधव श्री कृष्ण को नमस्कार करके कहने लगी, जय श्री कृष्ण।